Hey guys, welcome back to my YouTube channel Technical Postcard. मेरा नाम है राजेश पवार. So guys, आज हम बात करने वाले हैं MI की न्यू लॉन्च्ड टीवी MI LUX के बारे में. 10 में LUX वाला, वही वाला LUX. ये कब लॉन्च हुई है, कब इसकी बिक्री चालू होगी और ये कहाँ लॉन्च हुई है, इसके क्या क्या फीचर्स है, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरा हर नया वीडियो आपको मिलता रहे. इतना सपोर्ट तो बनता है. सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा MI LUX टीवी का ट्रेलर देख लीजिए, उसके बाद हम इसके फीचर्स की बात करते हैं. सो गाइज, MI LUX टीवी का आपने ट्रेलर देख लिया होगा, तो अब हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करते हैं. सो गाइज, सबसे बड़े सुकून की बात यह है कि ये टीवी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है और आगे का पता नहीं है. ये टीवी एक्चुअल में चाइना में ही लॉन्च हुई है और ग्लोबली ये लॉन्च होगी नहीं होगी इसका कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है. और ये चाइना में 26 अगस्त को लॉन्च हो रही है और कंपनी ने हाल ही इसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया है. तो इसके अलावा Xiaomi ने ये क्लेम किया है कि दुनिया के अंदर ये सबसे पहली टीवी है जिसका मास प्रोडक्शन हो रहा है और ये ट्रांसपेरेंट है. ये दुनिया की सबसे पहली ट्रांसपेरेंट टीवी है जिसका मास प्रोडक्शन हो रहा है. ऐसी मास प्रोडक्शन ट्रांसपेरेंट वाली टीवी अभी तक दुनिया में नहीं बनी है. दुनिया में ट्रांसपेरेंट टीवी बनी, ओनली बताने के लिए बनी, अभी उसका मास प्रोडक्शन नहीं किया गया. लेकिन चाइना ने इस 55 इंच की टीवी का मास प्रोडक्शन कर दिया है और 26 अगस्त को ये चाइना में बिकने को तैयार हो. सो गाइज, फुल HD OLED पैनल के साथ, हाई रिफ्रेश रेट के साथ, परफेक्ट कलर एक्यूरेसी के साथ इसको लॉन्च किया गया है. इसके अलावा इस टीवी की जो बॉर्डर है वो काफी नेरो रखी गई है, फुल स्लीम है, बट बेस में इसका बेस थोड़ा सा मोटा रखा गया है ताकि उसको एक जगह फिक्स किया जा सके और उसका जो बेस है वो भी सर्कुलर है. बाकी ओवरऑल जो बॉर्डर है बिल्कुल स्लीम है और काफी कम जगह है वहां पर दिखाने के लिए बॉर्डर को. सो गाइज, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की. तो भाई साहब, हमारे यहाँ तो 10 में LUX मिल जाता है और हम इस प्राइस रेंज में जो मैं बताने वाला हूँ लगभग 15-20 टीवी खरीद सकते हैं. मतलब इस टीवी की जो प्राइस है वो 5.5 लाख रुपए रखी गई है. तो फाइनली अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसके क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये 55 इंच की फुल HD टीवी है जिसका रेजोल्यूशन 1920x1080 रखा गया है. इतने पिक्सल्स की ये टीवी है और पूरी की जो डिस्प्ले है वो OLED डिस्प्ले है. जिनको नहीं पता है OLED डिस्प्ले क्या होती है वो ऊपर कार्ड पे क्लिक करके पता लगा सकते हैं. इसके अलावा इस टीवी की जो रिफ्रेश रेट रखी गई है वो 120Hz रखी गई है. तो ये भाई बड़ी कमाल की बात हो गई, 120 रिफ्रेश रेट रखी गई है. जिनको नहीं पता रिफ्रेश रेट क्या होती है तो उनको बता दूं कि एक सेकेंड में कितनी बार वो जो इमेज है उसको रिफ्रेश किया जाता है उसको रिफ्रेश रेट कहते हैं. जितनी ज्यादा रिफ्रेश रेट उतना ज्यादा स्मूथ आपको पिक्चर्स या वीडियोस देखने को मिलते हैं. सो गाइज, इसके अलावा इन्होंने एक और टेक्नोलॉजी यूज की है MEMC कंपेंसेशन की. और थोड़ी सी ज्ञान की बात कर लेते हैं कि MEMC कंपेंसेशन या ये टेक्नोलॉजी क्या है. सो गाइज, MEMC का जो फुल फॉर्म होता है मोशन एस्टिमेशन एंड मोशन कंपेंसेशन. एक्चुअल में ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पता लगाती है कि जो वीडियो चल रहा है उसकी फ्रेम रेट क्या है. यदि इसमें पता चलता है कि जो वीडियो चल रहा है उसकी फ्रेम रेट काफ़ी लो है तो ये आर्टिफिशियली उसमें और फ्रेम्स एड कर देता है ताकि जो ओवरऑल वीडियो है उसकी फ्रेम रेट काफ़ी हाई हो जाए और देखने में एकदम स्मूद दिखे. तो इसी टेक्नोलॉजी का यूज MI के LUX टीवी में किया गया है. सो गाइज, इस टीवी का जो पैनल है वो 10 बिट का है और कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो 1,50,000:1 रखा गया है. सो गाइज, इसका जो CPU है वो क्वाड कोर कॉर्टेक्स A73 से लेस है और इसका जो GPU है वो माली
G52 MCI है। तो गाइस इसके अलावा स्टोरेज की बात करें, रैम की बात करें, तो इसकी जो रैम है वो 3GB है और स्टोरेज आपको 32GB का इस टीवी में मिलता है। इसके अलावा ऑडियो के लिए 2 8 वोल्ट के डॉल्बी एटम सपोर्टेड स्पीकर्स हैं, जिसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है और ये आप डॉल्बी के स्पीकर डॉल्बी कितना अच्छा साउंड देता है ये आप खुद जानते हैं। सो गाइस इस टीवी की कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड का वाईफाई दिया हुआ है, ब्लूटूथ 5.0 वर्जन मिल जाता है कनेक्टिविटी के लिए। इसके अलावा 3 HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, इसके अलावा 1 Ethernet पोर्ट मिल जाता है और 1 AV पोर्ट मिल जाता है। सो गाइस ये टीवी MIUI पे सपोर्टेड है। इसके अलावा इसमें खुद का एप स्टोर है जहां से बहुत सारी एप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि इस टीवी का वजन कितना है, तो इस टीवी का लगभग जो वजन है 25 किलो है और ये इसकी जो थिकनेस है वो 5.7 मिलीमीटर है, 5.5 mm की इसकी थिकनेस है। तो काफी जो थिकनेस है वो काफी कम है, बहुत स्लिम है ये टीवी। इसके अलावा टीवी फुल ट्रांसपेरेंट है तो बैकलाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो जब इसके अंदर वीडियोज या पिक्चर्स आपको दिखेंगे फ्लोट करते हुए दिखेंगे, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि किस तरीके से फ्लोट कर रही है, आप जब किसी चीज को देखते हो फ्लोट करते हो वैसे ही आपको दिखेगी क्योंकि इसमें बैकलाइट नहीं है। इसके अलावा इस टीवी को रखने के लिए जो बेस आता है वो बिल्कुल सर्कुलर है, जैसा आपने ट्रेलर पे देखा होगा या फिर ये पिक्चर देख सकते हैं, सर्कुलर बेस पे इसको रखा जाता है और सर्कुलर बेस जो है उसमें ऑलरेडी स्पीकर्स होते हैं जो टीवी के लिए है। तो गाइज ये थी MI की लक्स टीवी जो हाल ही में लॉन्च हुई है और 26 अगस्त को ये बिकना शुरू हो जाएगी केवल चाइना में, ग्लोबली इसका पता नहीं है और सुकून है कि इंडिया में अभी नहीं आएगी, पता नहीं क्या होगा। सो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। यदि पसंद आया है तो इसको एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिल सके। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।